अलैकुम सिक्स क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर वन। आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर वन था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ इस चैप्टर का छोटा सा, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सेल्स के बारे में। व्हाट आर द सेल्स? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेकेंड हमने पढ़ा टिश्यूज़। व्हाट आर द टिश्यूज? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। थर्ड टॉपिक इज़ ऑर्गन। ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर और वर्क टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गन। एंड द फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एंड द एंड वन इज ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखें। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ठीक है, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सिक्स स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको यहाँ पे, और आपने इनके आगे इनका प्रॉपर वर्ड लिखना है। एक मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। नंबर थर्ड देखें। एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स, एंड यूनिसेलुलर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन नंबर टू देखें आपका। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपको एम सी क्यूज दिए हुए एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस फाइव एम सी क्यूज। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो वट पार्ट्स प्लांट सेल हैव एंड वट पार्ट्स एनिमल्स सेल्स हैव। आपको येलो और ब्लू दो जो है वो सर्कल्स दिए हुए हैं, येलो और ब्लू। आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। येलो वाला फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं प्लांट सेल के लिए, और ब्लू आप ले लेते हैं एनिमल के लिए। आप इन दोनों को फिल करेंगे, और जो दरमियान में ग्रीन वाला पार्ट है, जो दरमियान में ग्रीन वाला पार्ट है उसमें आपने जो है वो लिखने हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल बीइंग डिस्क्राइब्ड। आपको फोर स्टेटमेंट्स दी हुई और आपने बताना है कि ये कौन सा सेल का पार्ट है। नंबर वन देखें, हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड। नंबर बी, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़। नंबर सी, क्लियर जेली लाइक मटीरियल। एंड नंबर डी, ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी। ये आपका असेसमेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना।